हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मुझे पता है आप सभी के दिल में सिर्फ एक ही सवाल है कि ये इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी, आज क्यों ब्लॉग बना रही है। और आपके सवालों का जवाब मैं दूंगी, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने ना यही सोचा था कि मैं छोड़ूँ, क्योंकि ना मेरे अंदर ना एक बहुत ही कमी है कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। क्योंकि मैं इतना एडिट करती थी और व्लॉगिंग करती थी, पूरा दिन शूट करती थी, उस हिसाब से मतलब उतने सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे मेरे, और ना वीडियोस पे लाइक आ रहे थे। तो मुझे मेरे दोस्तों ने और मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि तू पेशेंस रख, लोगों को एक एक साल दो दो साल हो जाता है, तो तुझे अगर करना है, ये चीज़ करनी है, तो थोड़ा पेशेंस बना के रख, होगा एक दिन ज़रूर होगा, तू अच्छा कर रहे। तो फिर अगर आप मेरे चाहते हो कि मैं कंटिन्यू रखूँ, मेहनत करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ मैं आगे ब्लॉग डालूँ। तो दिखाती हूँ फिर मैं आज का अपना पूरा दिन। टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, मैं 8-10 के करीब उठ गई थी, और मैं अभी 2 दिन से सुबह, मतलब मैं दो कम से कम मुझे 15-20 दिन हो गए होंगे, मैं 2 टाइम वर्कआउट कर रही हूँ जब से, मतलब व्लॉग नहीं आ रहा। और बीच में कभी कभी होता है कि मैं सुबह नहीं उठती, पर शाम को तो मैं पक्का ही करती हूँ। तो आज मैं सुबह नहीं उठी, तो मैं सुबह 8 बजे के आसपास उठी, तो मैंने डस्टिंग कर ली और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में मैं आपको दिखाती हूँ, नाश्ते में मैं करती हूँ दूध लेती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स, और इसमें मैं एप्पल्स डाल देती हूँ। आप एप्पल की जगह कोई भी फ्रूट डाल सकते हो, अपना फेवरेट। लेट्स एंजॉय। वो आधे तो ज्यादा धरे हो, डिब्बा के तो कछु दे हो ना सब लेके, पर हमें तो आधा उसमें खाया हुआ दिन में, फिर दूसरे दिन बढ़ती रहे। सो हियर गाइस, लिया उठ लिया, यहां हो रहा है फैमिली टाइम। लिया लिया ना दी क्या, एक मिनट। नहीं मैंने ले, दूध कह रहे हो, दूध की कह रहे हो, दूध तो ले लिया मैंने। ले दूध भी को उठाड़े, दही खाऊं को? हां अब दही खाऊंगी। उठाड़े से बस काम कर बाद में, दरिया बैठे हैं व्लॉग बना रही है। नहीं क्यों ना बनाऊं। तो गाइज हमने डस्टिंग वस्टिंग कर ली है और अभी हम झाड़ू पोछा लगाएंगे, मम्मी झाड़ू लगाएंगी तो मैं पोछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद नहाऊंगी, पूजा करूंगी। ले बिस्किट खाएगा, ले। मेरे हाथ से खाने में कोई प्रॉब्लम थी? क्या हुआ, अटक गया क्या? पानी लाऊं? गाइज एज यू नो कि मैं इनकी परमानेंट बर्तन वाली हूँ, तो अब मैं बर्तन साफ करूँगी। तो मुझे ना आप एक चीज़ बताना कि मैंने देखी है काफ़ी घर में, तो बताना कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं, कि जो घर में सबसे बड़ी लड़की होती है, क्या वो घर की परमानेंट बर्तन, मतलब उसकी पूरी लाइफ बर्तन घिसने में ही चली जाती है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो अब मैं ये गाने सुनते सुनते बर्तन मांजती हूँ। तो बर्तन तो हो गए हैं, अभी हमें किचन साफ कर रही हूँ और मम्मी झाड़ू लगाएंगी और फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। कितनी मेहनती लड़की हूँ यार मैं। और ये मौसम देखिए, बेमौसम की बारिश हो रही है, बट मौसम ठंडा हो रहा है, मज़ा आ रहा है। और ये डैनी का फेवरेट मौसम है, ये है बारिश लवर हमारा, बाहर ही बैठा रहता है गीले गीले में बारिश के पानी में। तो यहाँ मैं तैयार हूँ काम करके, नहा धो के पूजा करके मैं रेडी हूँ बिल्कुल। और जैसा कि बारिश है जो रुकने का नाम नहीं दे रही है, तो फिर अब मैं अपने डाइट का, आज मैं सोच रही हूँ पोहा बनाऊँगी, तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैं आज क्या खाती हूँ लंच में अपनी लिए। तो मेरा लंच रेडी है, मैं ले रही हूँ पोहा और दही, मेरा पोहा और दही। और मैं एक टिप बताती हूँ
कि तुम लंच करने से पहले या अपनी कोई भी मील लेने से पहले तुम सैलेड खाते हो, सैलेड बीच बीच में मत खाओ कि मतलब खाने के साथ खा रहे हो, पहले एक प्लेट फुल भर के उसमें खीरा टमाटर जो तुम्हें सैलेड सर्दियों में जैसे मूली भी आ जाएगी वो ऐड करना है, तो पहले अपना खाना खाने से पहले एक फुल प्लेट भर के सैलेड खा लो, तुम्हारा पेट फुल भर जाएगा और फिर उसके बाद जितनी भी पेट में जगह बचेगी तो वो अपना खाना खा लेना, एक रोटी और सब्जी ज़्यादा। तो ये बहुत ही बेस्ट टिप है वेट लूज करने के लिए, अपने आगे आप अपने मील में ये चीज़ ऐड कर सकते हो। और यहाँ मम्मी अपना लंच, अपना नहीं खैर अपने बेटे का सुपुत्र का लंच तैयार कर रही है, और वहाँ अम्मा जी वेट कर रही है, जल्दी जल्दी खाना लाओ मुझे भूख लग रही है। तो मैं अपने मम्मी को एंजॉय कर रही हूँ। इतना खुश क्यों हो रहा है तू? बोल। थोड़ सी गिर गया मैं कोई। यार मैं नहीं। थोड़े से गिर दे हमें। मेरे लिए क्या बचेंगे? तो अपना हिसाब तो पता है, मैं तो बहाना नहीं कर फालतू। बस यार मेरे लिए बहुत कम बचेंगे फिर। ब्लॉग तुम्हारा गिरन गिरती ना तू। ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, जो झूठ मत बोल। मैं अपने डाइट का कुछ भी बना लूं ना, इनको चाहिए ही चाहिए। मैं यार फालतू ना लेकर तो गाइज अब हम लेट गए हैं खाना वाना खा के अपना लंच करके, और ये ऊपर लेट गए मेरा हर्ष, ये फूल, और ये मम्मी व्हाट्सएप, मम्मी और मम्मी की मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, और मैं यहाँ सोने की तैयारी कर रही हूँ। कैसे की कोई बहू होगी वहाँ पर मुसल्ली की है कि तो मैं अब उठ गई हूँ, अब मैं लूँगी प्री वर्कआउट, तो मैं बताती हूँ मैं क्या लेती हूँ। तो भैया सुबह से आ रही है बारिश, बारिश आ रही है तो लाइट भी नहीं आ रही सुबह से ही। भाई इतनी बारिश क्यों आ रही है, मतलब कि क्यों सुबह से ही बरस रहे हैं? इंद्र देवता क्रोधित है क्या? तो चलो खैर, बारिश आने से शायद अब ठंड बढ़ जाएगी। तो अब मैं अपने लिए बना रही हूँ प्री वर्कआउट, जो कि मैं लेती हूँ कॉफ़ी, और इसमें थोड़ा सा डालती हूँ मैं नींबू भी और पिंक सॉल्ट सेंधा नमक, और मम्मी के लिए भी बना रही हूँ मैं ग्रीन टी। मेरी मम्मी ने भी ग्रीन टी पीना शुरू कर दिया, वो भी थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गई है। तुम एक और टिप बता देती हूँ कि तुम चाय छोड़ दो, अगर तुम दो टाइम चाय लेते हो तो पहले शुरुआत करो कि एक ही टाइम लो और एक टाइम तुम ग्रीन टी लो, ठीक है? फिर धीरे धीरे करके तुम एक टाइम चाय की जगह दूध पी लो और फिर ग्रीन टी पी लो। आई मीन टू से कि एक टाइम दूध कर दो और दूसरे टाइम ग्रीन टी ले लो, ये नहीं कि तुम पहले दूध पी लो और फिर मतलब, फिर मतलब ये है कि सुबह तुम दूध ले सकते हो, रात को तुम ग्रीन टी कर लो बिफोर बेड टाइम। तो गाइस मम्मी की ग्रीन टी आ रही है और मैं अपना प्री वर्कआउट थोड़ा बीज निकाल दूँ, निकल गया वो खुद ही, नींबू डालूँगी ये निकल गया यार मम्मी, हाँ निकला निकला कॉफ़ी और थोड़ा गुनगुना पानी। ये आप वर्कआउट करने से 20 मिनट पहले लें। और ऐसे ही फिटनेस के टिप्स जानने के लिए मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और थोड़ा सा इसमें हम पिंक सॉल्ट भी डालें। यू ना कर लगे लगाऊंगा तो कर कर फिसल लग जावे बच्चे, तेल दे कर फिसल लेंगे, तेल दे तो आप फिसल लेंगे। और कम क्या गाय गे ये मत या बारे मत गे लो क्यों ना गेरूं गेरूंगी। तो गाइस तो ये जिस बारे में बात कर रही तू दिख रही हूँ यार ऐसे क्यों, वो ब्लर होता है वो कहीं नहीं है। तो गाइस जिस बारे में ये बात कर रहे हैं, तो गाइस जिस बारे में ये बात कर रहा है, तो हमारे ना कुछ दो सदस्य घर में नए और ऐड हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ठीक है, थोड़ी देर में बस बने रहे, वीडियो में बने रहे, कहीं जाना मत। और यहाँ हमारी मम्मी पी रही है ग्रीन टी, मम्मी से प्रभावित होकर
औरतें चाय छोड़े और ग्रीन टी पिए और क्योंकि चाय से बहुत ही बीमारियां बनती हैं। क्यों मैं खोलने में क्या मैं खोल दूंगी। तो गाइज ये हैं हमारे नए सदस्य, इनका नाम मम्मी बताएंगी क्या है। मम्मी क्या है इसका नाम? गुलाबो। तो मिलिए गुलाबो से, गुलाबो से हाय टू माय सब्सक्राइबर्स। और इसका नाम बताओ क्यूट से का। डर क्यों रहा है मेरे से? कल्लू छोटू कल्लू इसका नाम। और ये इस और ये इसका बेबी बॉय है कटड़ा कल्लू। क्यों तुम का हीरोइन हमारे व्लॉग की? हीरो फिरो ना हूं वो मत लीजिए। तू निकालेगा दूध? तो भाई ये चार कार में तो बहुत रोक रहा कहां जा रहा है? चलो चला जाएगा। तो गाइस मैंने प्री वर्कआउट भी लिया है और अब मैं कपड़े चेंज करूंगी और फिर वर्कआउट करूंगी। आज मैं करूंगी शोल्डर्स। शोल्डर्स के साथ साथ मैं एब्स भी करती हूँ। मैंने थोड़ा एब्स पे ज़्यादा ध्यान दे रखा है तो थोड़ा सा तो कम हुआ है। थोड़ा ये नीचे का जो ये वाला हिस्सा, इसमें बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है भाई। एक साल तो लगेगा इसे बिल्कुल कम करने में। तो मेरा पता है, मैं बताती हूँ क्या है। मैं मतलब दो साल से तो कर ही रही हूँ। मैं जब देखने लग जाती हूँ ना कि हाँ मैं पतली हो गई तो मैं छोड़ देती हूँ। मतलब वर्कआउट नहीं छोड़ती, मैं डाइट छोड़ देती हूँ। फिर मैं खाने लग जाती हूँ बाहर का फालतू सा, मोमोज हो गया, मैगी लवर तो मैं इतनी हूँ बहुत। तो मेरा वो नहीं हो पाता जो होना चाहिए दो साल में। मैं फिर वर्कआउट भी छूट जाता है बीच बीच में, जैसे मुझे बाहर टूर्नामेंट में खेलने जाना है या फिर किसी भी चीज़ के लिए। तो अब मैंने सोचा है जब कुछ भी हो, जब मैं बाहर भी जाऊँगी ना, बाहर भी कंटिन्यू रखूँगी। अब मैं छोड़ने नहीं वाली। एक साल में मैं आपको अपने आप को इतना चेंज दिखाऊंगी ना, आप देखना। और अगर आपको भी मेरी तरह, और जिन लोगों को पता है मैं पहले कितनी मोटी थी और उस मोटी से मैं यहाँ तक आई हूँ, और अगर आपको भी अपना फैट लूज या गेन करना है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी और डाइट भी बताऊंगी। थैंक यू। चलो अब मैं गाइस रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा जिम रूम। और इतना मेस ये हर्ष ने किया है क्योंकि मैं करती हूँ तो मैं साथ के साथ सब अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर रख कर जाती हूँ। और जो हमारा भाई है, यू नो भाई कैसे ही होते हैं। सो लेट्स गो। तो वर्कआउट करके मैं आ चुकी हूँ। 7:10 हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ मैं। और मैंने आज शोल्डर्स किए थे, ऑलमोस्ट डन। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा प्रोटीन यूज़ करती हूँ, देख लीजिए। और जो कि ये ख़त्म होने वाला है। तो मैं अपने व्लॉग का एंड हैंग कर रही हूँ और मैं सोने से पहले ग्रीन टी पीऊँगी। और ये रहा हर्ष। हर्ष भी यहाँ सो, हर्ष और मम्मी बेड पे सोएंगे, अम्मा फोल्डिंग पे सोएंगी। वीडियो ऑन होते ही अम्मा अपने आप को ढक रही हैं और ये फोन चला रहा है। तो ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी टीवी में मम्मी भागवत सुनती हैं सोने से पहले, मैं भी सुनती हूँ। और बहुत ही हाँ प्रश्नोत्तरी भी है, भागवत भी है, और बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी और भागवत होती है। आप सभी भी सुनिए, आपको भी बहुत बदलाव आएगा जिंदगी में। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी चैनल।